मई और जून में जो है वो 2023 के दौरान में कुछ ऐसी दो कंपनियां बनाई गई थी जिस पर साढ़े सत्रह खरब रुपए की जो है वो खरीदारी जाहिर की गई थी और उस कंपनियों तो को जब छानबीन की गई क्योंकि गैर मामूली खरीदारी थी तो उनकी जब छानबीन की गई तो वो मोतन मार्केट है कराची की एम एजना रोड पर बड़ी मारूफ़ और उसमें कोई छोटी सी दुकान थी जिसके नाम पर वो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई थी बड़े सारे रिश्तेदार लोग हैं उनके लिए लंबा फिक्रिया है और उन्हें इस सिलसिले में कोई ना तो कोई किरदार अदा करना चाहिए ये कॉम के साढ़े तीन सौ अरब रुपये का मामला है आज से नहीं दो हजार दस से इस जो सेल्स फेक सेल्स वाइज की जो ग्रो है उसकी मुकम्मल उनके साथ एक, एक ए, मिली भगत है और जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए इसके साथ कंपनियाँ अपनी खुद अपनी पे अपलोड कर जी जी वो सिस्टम है और वह मुंसलिक है एफ बी आर के आई टी सिस्टम से, से, से अलमेक नाजरी आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर साफ़ी नादर खान सेल्स ट्रैच की मद में साढ़े तीन सौ अरब के मेगा स्कैंडल के हवाले से आपको अपडेट देंगे साढ़े तीन सौ अरब रुपए का कौमी खुदाने को नुकसान पहुंचाया गया जाली टैक्स इन्वासिस के ज़रिए इस हवाले से हम माजी में एक प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें हमने इस स्कैंडल की कुछ तफसी बताई थी अब इस स्कैंडल में कुछ मज़ीद पेशरफत हुई है इसमें एफ ने कुछ बीस अरब रुपए की रिकवरी भी की है अब तक लेकिन साढ़े तीन सौ अरब रुपए का जो ये स्कैंडल है इसमें एफ बी का सिस्टम पराल के कुछ लोग इन्वॉल्व है जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं और इसके अंदर कुछ मखसूस ग्रोह है जो कि गुजरा कई दहाइयों से कस्टम्स और एफ में सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी चोरी में इन्वॉल्व रहे दादाजी साहब क्या आज आपके पास क्या अपडेट है साढ़े तीन सौ अरब रुपए के मेगा स्कैंडल की जी बहुत शुक्रिया आदित साहब एफ बी आर के रीजनल टैक्स ऑफिस कराची के जो वन और टू ने जो है ये स्कैंडल सामने लाए थे जब गुज्त माले साल में मई और मई और जून में जो है वो 2023 के दौरान में कुछ ऐसी दो कंपनियां बनाई गई थी जिस पर साढ़े सत्रह खरब रुपए की जो है वो खरीदारी जाहिर की गई थी और वंपनियों को जब छानबीन की गई क्योंकि गैर मामूली ख़रीदारी थी तो उनकी जब छानबीन की गई तो वो मोतन मार्केट है कराची की एम एच रोड पर बड़ी मारो और उसमें कोई छोटी सी दुकान थी जिसके नाम पर वो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई थी लेकिन उस साढ़े सत्रह खरब रुपए की खरीदारी पर जो साढ़े तीन सौ अरब रुपए के जो सेल्स टैक्स जो जनरेट हुआ था सिस्टम में प्रॉल के ज़रिए एफबीआर के सिस्टम में तो वो साढ़े तीन सौ अरब रुपए की जो इन्वाइस हैं फेक इन्वाइस वो पूरी पाकिस्तान में घूम रही हैं और मुख्तलिफ कंपनीज जो है इस वो खरीदारी में लगी हुई हैं और फ़र्ज़ करें कि अगर कोई एक दस करोड़ रुपए की कोई अगर इन्वाइस है तो वो पाँच करोड़ या सात करोड़ या आठ करोड़ जितने में भी बोली लग रही है उसकी वो फरोख्त हो रही थी तो उस पर कार्रवाई की थी और रीजनल टैक्स ऑफिस वन और टू ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक तो एफ आई आर दर्ज की थी और दो ऐसे अफराद को नॉमिनेट किया था जिनके नाम पर वो कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई थी एक मोहसिन नाम है जो मीरपुर खास का था और एक काशिफ है जो कराची एम ए रोड बजट्टा लाइन का ही रहायशी था लेकिन बहरल उनके बजाय दोनों के जो बैकग्राउंड है यानी कि जो खानदानी पसंद मंदिर है उसके हिसाब से तो उनकी आमदन जो है पूरी साल की भी आमदन कोई आठ या दस लाख रुपए की नहीं बनती तो जिसकी बुनियाद पर उनको जब गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो गिरफ्तार हुए नहीं वो घरों से गायब थे अब वो मामला ये है कि उसमें अब नई पेशरफ्त हुई है और पेशरफ नहीं ये है कि उस इनवाइसिस की जो बदर कमरशल क्लिप्टन पेस पाइप आई थिंक वहाँ पर जो तीन कंसल्टेंट टैक्स कंसल्टेंट के दफ़ातर थे कमर्शियल डी एच ए फेज फाइव जी और उसमें तीन कंसल्टेंट के दफ़ातर हैं टैक्स कंसल्टेंट के दफातर जहाँ पर यह पे जनरेट हुआ था दोबारा से कि उसी कार्रवाई के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एफ बी आर इंटेलिजेंस इंडियन रेवनीू के अफसरान गए थे और उस जाने से पहले उन्होंने मजिस्ट्रेट से जो है वो एक खूस सर्च वारंट लिया था इजाज़त लेकिन वहाँ जाके उन्होंने काफ़ी जो है वो हल्ला गुल्ला मचा दिया अब इसका पसंद जो उसके बाद ये हुआ कि इस कार्रवाई के बाद जब मजिस्ट्रेट को यह मालूम हुआ कि जो कार्रवाई आप करने जा रहे हैं वो एक मसद बुकला है उनसे वापस मामले में ये साढ़े तीन सौ अरब रुपये का जो टैक्स चोरी है जो टेक्स Yes, नहीं वो साढ़े तीन सौ अरब रुपए की जो जो जनरेट हुई है वो कंपनियों के जरिए जो सिस्टम में अपलोड करते हैं अपलोड की।, तो की जा रही थी तो इसीलिए उनको इन्फॉर्मेशन हुई यहाँ से जो है उन पर कार्रवाई की छापा मारा छापा मारा और दफ्तर में तोड़फोड़ भी की और एक टैक्स कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया अगले रोज़ सिंध हाई कोर्ट में उस टैक्स कंसल्टन को अदालत ने जमानत पर रिहा किया लेकिन उसका दूसरा पस मंजर ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने जब गलत बयानी जो गलत बयानी डायरेक्ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस इंड रेवेन्यू के अफसरान ने जो मजिस्ट्रेट से की थी तो उन्होंने तीनों के वारंट जारी कर दिए और उनको पेश किया अदालत में कि भाई आपने ऐसा क्यों किया लेकिन उसके ऊपर कोई वाजे जवाब दे नहीं सके अब उसका नतीजा ये हुआ कि टैक्स कंसल्टन ने इन दरख्वास्तों की अवज़ जब अदालत से रुजू किया तो अदालत ने उस पर स्टे ग्रांट कर दिया अब इसका मतलब ये है कि आप साढ़े तीन सौ अरब रुपये की इंक्वायरी जो है वो एफ बी आर आर टी ओ वन और आर टी ओ टू में जो इंक्वायरी है वो स्टिल हो गई अब इसका थोड़ा सा माजी है इसको अगर हम थो थोड़ा समझाने थो की कोशिश करें तो जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इंड एन रेवेन्यू के तीन अफसरान गए थे उसमें इंस्पेक्टर एक सईद खान है जो आज से नहीं दो हज़ार दस से इस जो सेल्स फेक सेल्स सेक्शन वाइस की जो ग्रो है उसकी मुकम्मल उनके साथ एक, एक ए, मिली भगत है और जिसकी वजह से एफ बी आर को आर्ट रजिस्ट्रेशन सईद खान जो है ये हमेशा से उस ग्रुप जब भी ये किसी जगह पोस्टिंग पे होते हैं या किसी जगह या उनकी सरपरस्ती करते हैं ये किस तरह इनकी इन्वॉल्व है ओह हुआ ये है कि जो लेटेस्ट जो केस है इसमें एक ओवैस इस्माइल नाम के इस, का नाम आ रहा है सामने जो इस पे एक मास्टर माइंड करार दिया जा रहा है और सैमा ट्रेड टावर आई है चंद्रीगढ़ रोड पर वाकई जो फोर्थ फ्लोर पर एक टैक्स का दफ्तर है इस इस जगह पर ये साढ़े सत्रह खरब रुपये की इनवाइस को इनपुट किया गया और इनपुट करने के बाद प्राल के दो अफसरान है जो सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए जरिए अपनी खुद अपनी वहाँ पे अपलोड कर जी जी वो सिस्टम है और वो मुंसलिक है बिहार के आई टी सिस्टम से तो उसमें ये हुआ मामला कि जब ये अपलोड हुआ सिस्टम तो फिर ये जो आगे जब इसके ऊपर कार्रवाई जब शुरू की गई तो वो उस आर टी वन ने जो है एक एफआईआर में जब ये साइमा ट्रेड टावर में जो वकीला वो, वो है उनको वकील है जो टैक्स कंसल्टेंट है उनको बुलाया और उनसे जब जवाब दी तो उन्होंने बताया कि ये ब इस्माइल है अब जब उबैस इस्माइल की जब इन्होंने जब जब निकाला बैकग्राउंड निकाला तो दो में सबसे पहले उन्होंने एक फेक कंपनी रजिस्टर्ड की थी जो आर टी वन में रजिस्टर्ड हुई थी और आर टी वन में उस वक्त इंस्पेक्टर सईद खान खुद मौजूद थे जिन्होंने उन कंपनी को रजिस्टर किया फिर 2020 में जब एक और एक एफ हुई डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस इंड एंड रेवेन्यू में जिसमें इंस्पेक्टर सईद खान ही ने एफ की और एवेस्ट माइक को गिरफ़्तार कर लिया था फेक सेल्स से एक्स से इन्वाइसिस और फेक कंपनी रजिस्टर के चक्कर में लेकिन जब वो गिरफ़्तार करके जब उनको दफ्तर लेके जाया जा रहा था तो मुबैना तौर पर जेल चुरंगी जो उनके दफ्तर से कोई एक किलोमीटर के फासले पर है और उनको छोड़ दिया गया ओवेस इस्माइल को पकड़ने के बाद वो छोड़ दिया अभी भी उनकी इन्वॉल्वमेंट और अब ये हुआ मामला कि जिस वक्त आर टी ओ वन में यानी कि हम असल में बताना ये चाह रहे हैं कि इस वक्त एफ बी आर में दो ग्रोह ऐसे हैं जो दो ग्रुप ऐसे हैं अफसरान के कि जो एक तरफ फेक से के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं और दूसरा जो है उसको रोकना चाह रहा है तो ये जो रोकने वाला ग्रोह है ये ग्रुप जो है ये इसका असर रसूख इतना ज़्यादा है कि चेयरमैन एफ ऑफिस तक उनके असर रसूख़ हैं तो उसकी बुनियाद पर वो जो फेक फेस्ट नबाइस रोकने वाले जो ग्रोह हैं उनको उनका बिल्कुल बस नहीं चल रहा और अभी भी हालिया मामला ये हुआ कि जब वारंट निकाला गया तो मजिस्ट्रेट को एक तो आपने अंधेरे में, में रखा और दूसरा ये कि टेस्ट कंसल्टर दफ्तर में जाने के बाद

उसमें है हम ये देखते रहे हैं कि एफ बी आर आई ए और नैब में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इंक्वायरीज कर रहे होते हैं वो खुद ही सजेस्ट करते हैं मुलजमान को कि आप कोर्ट में चले जाएं पटिशन दायर कर दे ताकि हमें कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल जाए बिल्कुल हमें आस, बिल्कुल मेरे पास ये जवाब आ जाए और इन्होंने यहाँ पर मसद वहाँ पर उनको कार्रवाई की और तोड़फोड़ भी की और उसके बाद गिरफ्तार हम आए साढ़े तीन सौ अरब रुपए की टैक्स चोरी का मामला है और उसमें अगर कोर्ट के जरिए और गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन और गलत मैन हैंडलिंग के जरिए अगर आपने उस इंक्वायरी को और उस मामले को कोर्टो के जरिए वो अल्तवा का शिकार हो गया है तो ये पता नहीं कब तक का शिकार आएगा इसमें चेयरमैन एफ और यकीन मुल्क के जो पावरफुल जो इकतदार बरसर इकतदार लोग हैं उनके लिए लंबे फिक्रिया है और उन्हें इस सिलसिले में कोई ना कोई किरदार अंदर करना चाहिए ये कौम के साढ़े तीन सौ अरब रुपये का मामला है कोई छोटा मामला नहीं है।, है आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म करते हैं इस हवाले से हम आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे शुक्रिया